राइट, मैं शायद एक अच्छा राइटर हूं ही नहीं। जब भी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ खाली सफों के अलावा कुछ नहीं मिलता मुझे। अच्छा लिखने के लिए एक अच्छा राइटर होना जरूरी नहीं, स्टोरी कोई भी लिख सकता है। बस कलम तब उठाओ जब वो खुद लिखना चाहे। और याद रखो कभी कभी खाली सफों के पीछे पूरी कहानी लिखी होती है। इंसान को कमजोर बना देती है और हम सबकी कहानी कहीं ना कहीं हम में ही छुपी है। Are you okay? Yeah, I am fine.
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मुझे लगा मैंने आपको पहले भी कहीं देखा हुआ है। बहुत ही पुरानी पिकअप लाइन है। बाय द वे अमन आया। बाय द वे अमन। हाय। तुम वही हो ना जो कल रात क्लब में थे? हाँ। तुम भाग क्यों गए थे? वो मुझे कुछ काम याद आ गया था। इतनी रात को काम? तुम करते क्या हो? आई एम अ राइटर और मे बी नॉट Interesting. What you doing here? Maybe I'm just following you. सच नहीं हो सकता। This is not happening. ये मेरी स्टोरी नहीं हो सकती। Definitely not my story. नहीं हो सकती मेरी। बिखरे हुए कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है और अगर हो भी जाए तो कौन सा हिस्सा कहाँ लगाना है इसमें बहुत वक्त लग जाता है। अब क्या करूँ? Do the right thing.
ख्वाब शायद सच्चे नहीं होते पर पूरे ज़रूर होते हैं, और ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ वक्त है, जो चलता है बदलता है पर रुकता नहीं है। लम्हे लम्हे शायद रुक जाते हैं, मेरी कहानी भी उसी एक लम्हे में लिखी, जो कभी था ही नहीं पर सिर्फ मेरा था और आज भी मेरा है। आई एम अ राइटर और मे बी नॉट, मुझे लगा मैंने आपको पहले भी कहीं देखा हुआ है।